गई आई नहीं थी तभी अब आई तो मिला नहीं कोई अब नशा एक नशा दूसरे नशे को डाल रहा है दिखना नहीं चाहिए नाम Well, I'm the winner. I won. I picked up the coin. I was the first one to do it, and out of both the teams, I'm the winner. So I'm very proud. अभी देखो क्या देते हैं. They should give something. In fact, you know. But otherwise, I'm telling you honestly because I got a very nice feeling when I got the coin. It's like you know. People call it myth or एक कोई इसे अंधविश्वास भी कह सकता है बट देन आई फील कि ये मैंने जो विन किया है इट्स माई विक्ट्री. मेरा ये साल अगला जो आने वाला बहुत अच्छा जाने वाला है ऐसी बड़ी स्ट्रॉन्ग सी मुझे फीलिंग हुई है. ये नहीं कि साल अच्छा नहीं, सारे साल अच्छे होते हैं, सारे दिन भगवान के सब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन होता है कि पर्टिकुलर फीलिंग यू गेट यू नो कि दिस कॉइन इज गोइंग टू गिव मी ब्रिंग मी लॉट ऑफ लक. सो दिस इज व्हाट आई फेल्ट. See, Sunil is a very dear friend, and as he said that he really loves me. Loves me means don't take it otherwise. As he said that I'm his hot favorite, so I feel good when he says so, and I like him a lot as a person. He's a gem of a person. He's always laughing. Yeah, I think. It's going to be very intoxicating cake, what you call, you know, because there's so much liquor in it, you know. There's wine, there's whiskey, there's vodka, there's beer, blah, 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 blah. So it's going to be very intoxicating cake. So once I have it on 24th, that's when I'll tell you. Okay, New Year is coming, so is there anything like resolution? You want to change something which happened in this year? Not really, but the few things which I would like to recommend to our PM and then other people is that, you know, there's still a lot of rapes happening and people say that aurat ki izzat badh gayi hai and because we move around a lot, mujhe lagta aurat ki izzat kam ho gayi. On the contrary, because I've seen bus drivers fighting with women, I've seen rickshaw pullers fighting with women, and you know, if the woman says something, I saw, witnessed an episode when a woman said that, tum aise kaise gaadi chala rahe ho, mere upar chad jati, tum andhi ho, tumhe dikhta nahi kya. So this is really sad, you know. If the woman said, well, she had a reason to be aggressive because he was actually virtually, you know, coming on her. बच्चा छोटा उसके हाथ में भी था और एक बड़ा भी बच्चा उसके साथ में था, एक आदमी भी था. उसने कह दिया चलिए आप उसको बोल दीजिए, सी डोंट टॉक लाइक दिस इफ यू रिस्पेक्ट अ वुमन. नाउ यू आर चार्जिंग अपॉन हर एंड देन यू आर फायरिंग हर बैक, देन वेयर इज रिस्पेक्ट. तो ये सारी बातें जो हो रही हैं कि औरत की बहुत इज्जत है, लोग बहुत इज्जत करते हैं और उसका बहुत मान सम्मान दिया जाता है, मुझे तो लगता है सब उल्टा है. इट्स जस्ट रिवर्स. So they better do it, you know, because हर बार अगर हम औरतें भीखी मांगती रहेंगी हर सरकार से कि देखिए हमें इज्जत दिलवाइए, देखिए औरतों की इज्जत करिए, या इस तरह की बातें किस किस से अब कहती रहेंगी. सो आई थिंक ये हमें कहना ही नहीं चाहिए. इट शुड हैपन नाउ, इट्स हाई टाइम. सी कथनी और करनी में अंतर है, ये सुनते रहे हैं, लेकिन इस बार हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते. वी एक्सपेक्ट दैट कि इस बार जो लोग बोलते हैं कथनी और करनी में अंतर ना रहे, औरत की इज्जत होनी चाहिए जैसे होती थी. मुझे लगता है पहले जमाने में बहुत इज्जत होती थी, जो अपनी माँ से मैं सुनती रही हूँ, नानी से सुनती रही हूँ और आज भी सुनती हूँ. लेकिन अभी कहते हैं कि औरत की इज्जत ज़्यादा है, औरत कंधे से कंधा मिला के चल रही है. कंधे से कंधा मिला के तो चल रही है, कमा भी रही है. वो जितना मर्द कमाता है उतना औरत भी कमा रही, शायद ज्यादा भी कमा रही होंगी कुछ औरतें. लेकिन जहाँ इज्जत की बात आती है वो मुझे झूठ लगता है, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी केसेस, यू नो, व्हेन यू मूव अराउंड द रोड, व्हेन यू ट्रैवलिंग, यू नो, यू सी ऑल दिस, देन यू फील वेरी बैड, यू नो. आई डू इंटरवीन, ओके, आई हैव अ हैबिट ऑफ इंटरवीनिंग, पुट इट दिस वे, ओके, बिकॉज समथिंग व्हिच यू कांट टेक. सो आई डू टेल देम दैट दिस इज नॉट अ डन थिंग यार, आई मीन यू डोंट डू इट, प्लीज डोंट डिसरिस्पेक्ट वुमन, बट देन डोंट लिसन. आई मीन दिस इज, आई मीन इट्स वेरी सैड. So I think something has to be done, you know, maybe you media guys can help or
government, the bureaucrats. I don't know who's going to help. You know, as a citizen, I'm trying my utmost, you know, to do this. So I pledge I'll keep doing it, and I request all of you all through this channel that you please do it, you know. Okay, so do you have any upcoming projects? There are plenty of them. In fact, this Dandiya, I released a single of mine that was Ore Zaveri. That was released by Zee Music Company. The label was Zee Music Company, and that did very, very well. And I'll be doing a Punjabi number ASAP. And four films I'm doing right now, and events I keep doing. So it's time to make money, you know, because December is Dandiya season. That's the time when you make money, you know, where you do a lot of events, a lot of shows. Thank you. Nice talking to you. It feels great. It's, I always feel like an anniversary issue is always very special, considering it's the 55th anniversary issue. It's always a very big deal. Whatever they y'all. Or whatever Femina does for that issue is...